स्वागत है आपका एसआर होम्स के अंदर और मैं करण चौधरी आज आपके लिए एक बहुत अच्छे साइज का 3 BHK फ्लैट लेकर के आ गया हूँ, वो भी एक बहुत प्रीमियम सोसाइटी के अंदर। और ऑन रोड रहने वाली है ये प्रॉपर्टी, इसके साथ मिलने वाला है आपको 3rd फ्लोर, वो भी अपने रूफ राइट के साथ में। सो एक अच्छे बालकनी के स्पेस आपको मिल जाएगा और ये प्रॉपर्टी होने वाली है बहुत जानदार। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी का टूर। सो गाइज, अपने फ्लैट के मेन गेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये फ्लैट होने वाला है रीसेल का। सो, आपको कई सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि स्टार्टिंग से ही आपको मिलने वाला है एक आयरन गेट जो कि ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है आपके घर में, और साथ ही साथ ये लकड़ी का दरवाजा भी यहीं पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अंदर आ जाइए और स्टार्ट करते हैं, आपको सारी डायमेंशन और डिटेलिंग मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सो जैसे ही आप अपने मेन गेट से एंटर करेंगे, मेन गेट का साइज करीबन 3 फीट चौड़ा और 8 फीट के आसपास इसकी हाइट हो जाएगी। ये इतना ओपन स्पेस आप देख रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छे साइज का फ्लैट है जिसमें आपको एक अच्छे साइज की बालकनी मिल जाती है और इसी के ऊपर आपको आपका टेरेस भी मिल जाएगा। शेड लगा करके 6 सिटिंग स्पेस आपके लिए बनाया हुआ है। अभी जैसे कि मॉनसून का टाइम है तो ये इवनिंग का टाइम आप अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय भी कर सकते हैं इस तरीके का कुछ सिटिंग अरेंजमेंट लगा करके। सो ये है आपके घर का मेन गेट। उससे पहले आप आगे देख सकते हैं कि आपका फ्रंट भी एक ग्रीनरी यहाँ पे अच्छी मेंटेन करी गई है। ये फैमिली ऑलरेडी यहाँ से शिफ्टिंग इनकी स्टार्ट हो चुकी है तो बहुत ही माइनर केसेस के अंदर सामान बचा हुआ है। धीरे धीरे वो सामान यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और कहीं बाहर का प्लान कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी सेल करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मेन गेट रहेगा जिसमें SS का गेट स्टेनलेस स्टील लगाया हुआ है ताकि लाइफ टाइम ये खराब नहीं होने वाला। साइज की बात करूं तो 3 फीट चौड़ा और 8 फीट की ही लंबाई इसके भी मेन गेट की रखी गई है। आ जाइए अंदर अपने फ्लैट की तरफ। एंट्री करने के साथ में सबसे पहले आपके पास एक सुंदर सा लिविंग स्पेस मिल जाएगा। लिविंग एरिया के साइज की अगर मैं बात करूं तो करीबन करीबन 15x16 के आसपास आपका ओवरऑल साइज है, जिसके अंदर डाइनिंग स्पेस आप देख सकते हैं। डाइनिंग कम लिविंग स्पेस ये बनाया हुआ है क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाने में डाइनिंग स्पेस आप देख रहे हैं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, बट उसके बावजूद सामान रखने के लिए स्पेस आपके पास में है। जैसा आप चाहें उस हिसाब से इसे डिजाइन कर सकते हैं। वॉल सीलिंग पे अगर नजर मारेंगे तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग भी इसकी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी भी नहीं है। लेटेस्ट जिस तरीके से फॉल सीलिंग का काम होता है, वुडन पैनलिंग का काम होता है, शैंडलियर फैंस लगा के दिए जाते हैं, ये सारा बेसिक ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है। फिनिशिंग की भी मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं, अगर टीवी पैनल की आप लुक्स एंड फील अगर कैमरा में आप देख पाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अच्छे से चीजें मेंटेन है आज भी इसी तरीके का, और साइज भी टीवी पैनल का इतना बड़ा है कि आराम से 65 इंचेस तक का टीवी भी आप इसमें लगा सकते हैं। नीचे कुछ ड्रॉर्स और शेल्फ्स दिए गए हैं ताकि आप अपने कुछ डिजाइनर पीसेस शो केस करने के लिए चीजें भी यहाँ पे रख सके। एंट्री करी थी तो राइट साइड में आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम, ताकि अगर घर परिवार में कोई फैमिली मेंबर्स आए तो उनके लिए एक सेपरेट तरीके से एक अच्छे वॉशरूम का इंतजाम पहले ही है। साइज बहुत कमाल का है, करीबन करीबन 8x8 के आसपास का आपको टोटल वॉशरूम का साइज मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही यूनिक है क्योंकि आज के टाइम पे इतने बड़े वॉशरूम के साइज नहीं बनाए जाते। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं आपका दिखाता हूं किचन।
पर किचन से पहले आपके लिविंग स्पेस का भी अगर आप ऊपर इंटीरियर वर्क देखेंगे तो शैंडलियर लगा हुआ है, फैन लगे हुए हैं, वुडन की इंटीरियर डिजाइनिंग का करा हुआ है, तो टीवी पैनल के साथ आपकी फॉल सीलिंग का कॉम्बिनेशन 100% मैच करता है। आगे बढ़े और आप अपना किचन देख सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा मेसी है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया फैमिली शिफ्ट कर रही है तो बहुत कम सामान के साथ फिलहाल रह रहे हैं, लेकिन आप चीजें देख सकते हैं। अगर मूवेबल स्पेस की बात करूं तो इसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 फीट के आसपास ओवर स्पेस है, और अगर लेंथ की बात करूं तो करीबन करीबन 6.5-7 फीट के आसपास आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। तो ये आपका कारपेट एरिया है जो मूवेबल स्पेस रहेगा आपके घर के अंदर। साथ ही कबर्ड्स और सेमी मॉड्यूलर किचन है, तो सारी चीजें जो आज के टाइम पे ड्रॉर्स बास्केट्स प्री डिजाइंड होती हैं, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड मिल रही हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि सिर्फ आकर के आपको हल्का टचअप कराने की जरूरत पड़ेगी, छोटी मोटी चीजें काम कराने की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी रिक्वायरमेंट इस घर में नहीं है। चिमनी भी यहाँ लगी हुई है, क्लीनिंग वगैरह आप करवा के इसको परफेक्टली यूज कर सकते हैं। कबर्ड्स प्री डिजाइंड है, रेड और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन प्लस ब्लैक कलर की प्रिंटेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है। सो फाइनली 3 बेडरूम्स आपको इस घर के अंदर मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपके मास्टर बेडरूम के साथ में। मास्टर बेडरूम का साइज अल्टीमेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं ओवरऑल डायमेंशंस की बात करूं तो करीबन करीबन आपको इसकी विड्थ मिल जाती है 12 फिट की और 14 फिट की इसकी लेंथ है, तो 12x14 का पूरा बेडरूम का साइज है। फ्लोर टाइलिंग की अगर बात करूं तो पूरे घर की जो फ्लोर टाइलिंग है वो प्रिंटेड वार्म क्रीम कलर और व्हाइट कॉम्बिनेशन की प्रिंटेड हाई ग्लॉस वाली टाइल्स है। पूरे घर का जो टाइलिंग वर्क है वो बिल्कुल कॉमन रखा गया है। यहाँ पे ऑलरेडी सामान रखा हुआ है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपका सामान यहाँ पे रखा जाएगा तो आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। इनकी यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रीबिल्ड वुडन अलमीरा भी आपको मिलेगी जो यहीं पे ही इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं डबल साइज सीलिंग से ऑलमोस्ट टच होती हुई है और ड्रेसिंग का एरिया भी यहाँ पे दिया है। उसके बाद भी आपके पास इतना सफिशिएंट स्पेस बच जाता है कि इनकेस इस तरीके से एक्स्ट्रा भी आप अगर चाहें तो अलमीरा एक लगा सकते हैं। शाफ्ट एरिया और वॉशरूम यहाँ पे भी अटैच दिया हुआ है। आप पहले शाफ्ट एरिया देख लीजिए, एक अच्छे खासे साइज का बड़ा शाफ्ट एरिया है क्योंकि ये टॉप फ्लोर है तो आपके सीधा घर सर के ऊपर छत है और छत से वेंटिलेशन भी आपके घर के अंदर बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। ये आपका दिया हुआ है वॉशरूम। वॉशरूम का साइज की अगर मैं बात करूं तो करीबन करीबन 5x7 का टोटल वॉशरूम का साइज है। प्रॉपर टाइलिंग वर्क हो रखा है सीलिंग तक, तो कभी भी लाइफ टाइम किसी भी तरीके की तोड़ फोड़ गंदगी की कोई भी गुंजाइश यहाँ नहीं बसती है। बहुत इजीली आप क्लीनिंग यहाँ पे वॉशरूम की मेंटेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की, जो कि एग्जैक्टली मिरर कॉपी होने वाला है उसी बेडरूम का। यहाँ पे भी आपको मिल जाती है अटैच्ड वॉशरूम, शाफ्ट का स्पेस जो कि हमने अभी उधर से देखा था, और साथ ही साथ अलमीरा भी। फॉल सीलिंग पे भी नजर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि अच्छी डिजाइनर वाली फॉल सीलिंग करी गई है। इंटरनल स्ट्रिप लाइट्स हैं, फैंस है, हर चीज यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है। अलमीरा सेम एज इट इज जैसे हमने वहां देखी थी उसी तरीके से अलमीरा यहाँ पे लगी है। अटैच्ड वॉशरूम भी आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल एज अ स्टोर रूम ये लोग इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हमने वॉशरूम उस वाले देखा था वही सेम एग्जैक्टली साइज और पैटर्न के अंदर आपको यहाँ पे डिजाइन करके मिल जाएगी। इस रूम के अंदर आपको आपका टीवी पैनल भी लगा के दिया जा रहा है। आराम से आप इसके ऊपर 50 इंच तक 55 इंच तक का भी टीवी लगा सकते हैं, इतना अच्छा ब्रॉड स्पेस मिला हुआ है। नीचे भी कवर्ड एरिया है जहाँ पे आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। और एसी के लिए यहाँ पे डोर के ऊपर दोनों ही रूम्स में आपको अटैचमेंट दिया गया है, जहाँ पे ऑलरेडी विंडो कट हो रखा है, तो आपको आकर के सिर्फ अपना एसी यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल बेडरूम की तरफ, जो कि आपके लिविंग स्पेस के में ही तीनों की एंट्री है। तो ये बेडरूम के साइज की अगर टोटल बेडरूम के साइज की बात करूं तो 10x12 का बेडरूम का साइज यहाँ मिल जाता है। कोई भी बेडरूम यहाँ पे छोटा नहीं होने वाला। बेडरूम के अंदर आपको मिल जाएगा शाफ्ट एरिया आपके वेंटिलेशन के लिए। जैसा मैंने बताया टॉप फ्लोर है तो बिल्कुल नेचुरल लाइट भी आपके घर में जरूर आएगी। साथ ही साथ वुडन अलमीरा भी यहाँ पे बड़े साइज की दी हुई है, तो आप अपने कल को सामान रखने के लिए आपको कंप्लीट यहाँ स्पेस मिल जाता है। अगर फॉल सीलिंग पे नजर मारेंगे तो यहाँ की भी डिफरेंट पैटर्न की फॉल सीलिंग हुई हुई है, जहाँ पे फैंस कोव लाइट्स ऑलरेडी
प्री इंस्टॉल्ड है। घर का साइज आप अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बड़े साइज का फ्लैट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो गाइज, ये था हमारा 3 BHK का बड़े साइज का फ्लैट। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये प्रॉपर्टी ओनर जल्द ही यहां से शिफ्ट होने वाले हैं, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही अर्जेंट सेल पे आई है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कीजिए कॉल, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को। 3 BHK का फ्लैट है, साइज की अगर बात करूं तो करीबन 162 मीटर यानी कि 170 गज के आसपास टोटल फ्लैट का साइज है, जिसमें आपको अपनी खुद की रूफ भी मिल जाएगी। 3 BHK का फ्लैट है, फ्रंट साइड पे बहुत अच्छी बालकनी स्पेस है, पार्किंग आपको ऑन रोड मिल जाएगी आपके घर के पैसेज के ऊपर। सो 3 BHK 3 वॉशरूम्स के साथ कंप्लीटली ये रेडी है आपकी सेल के लिए। ये प्रॉपर्टी की और कुछ खास बातें हैं, जैसे कि एक प्रीमियम सोसाइटी के अंदर इसका फ्लैट का लोकेशन है, जो कि वेल कनेक्टेड है मेट्रो स्टेशन से, वेल कनेक्टेड है सुपरमार्केट्स और बाजार से, और यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स भी आसपास ही आपको मिल जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जैसी सारी सुविधाएं घर के आसपास ही अवेलेबल है। सो जल्द से जल्द अपना कॉल की करके अपना विजिट शेड्यूल कीजिए, और मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। जॉब चक के लिए अलविदा।